टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रोंद कर रोहित शर्मा ने भरी हुंकार। कप्तान रोहित ने फाइनल में पहुंचते ही दिया ऐसा बयान, कांप उठी अफ्रीकी टीम। इंग्लैंड से शर्मनाक हार का बदला लेने के बाद क्या क्या बोले कप्तान रोहित शर्मा। 10 नवंबर 2022 का दिन था और एडिलेड में भारत को इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हरा दिया था। रोहित शर्मा टीम के कप्तान थे और शर्मिंदगी पूरे भारत को हो रही थी। पाकिस्तान तक ने भारत की 10 विकेट की हार पर मजाक उड़ाया था। दिल में एक कसक थी जो अब इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदने के बाद पूरी हो गई। रोचक बात यह है कि यहां भी कप्तान रोहित शर्मा थे और इस बार वो मौका नहीं चूके। उनकी टीम ने गजब का प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 171 रनों के जवाब में 103 रनों पर समेट दिया। जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट झटका, रोहित शर्मा जश्न में डूब गए। कहीं ना कहीं उनके दिल में 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार का दर्द जरूर रहा होगा। सेमीफाइनल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा ने मैच जीतने के बाद क्या कहा, चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा, यह गेम जीतना बेहद संतोषजनक है। हमने एक टीम के रूप में वास्तव में कड़ी मेहनत की। इस गेम को जीतना सभी का शानदार प्रयास था। हमने परिस्थितियों के साथ खुद को बहुत अच्छे से ढाला। ये एक चुनौती थी और हमने खुद को ढाल दिया। हमने परिस्थितियों के हिसाब बहुत अच्छा खेला। अगर खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुसार खेलते हैं तो चीजें सही हो जाती हैं। हमने जिस तरह से जीत हासिल की उससे बहुत खुश हूँ। 140-150 तक पहुंचते दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा हम वहां 25 रन और बढ़ाए। मैंने अपने दिमाग में लक्ष्य तय कर लिया था, लेकिन मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहता था। वो सभी सहज खिलाड़ी है। मुझे लगा कि 170 रनों के हिसाब से अच्छा स्कोर था। अक्षर और कुलदीप यादव शानदार स्पिनर हैं। कुछ शॉट खेलना मुश्किल है, उन पर भी दबाव है, लेकिन वो शांत थे और जानते थे कि कैसी गेंदबाजी करनी है। आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा के लगातार दूसरे अर्धशतक की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। धीमी गति और कम उछाड़ वाली पिच पर भारत ने पावर प्ले के अंदर विराट कोहली और ऋषभ पंत के विकेट कमा दिए। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली। दूसरी ओर इंग्लैंड अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की फिरकी के आगे असहाय नजर आई। तो रही सही कसर जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटों ने पूरी कर दी। इसी के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में अपनी जगह बना ली। वहीं अब 29 जून को बारबाडोस में रोहित शर्मा एंड कंपनी का खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी कर रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को फाइनल पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। गयाना में दोनों टीमों के बीच हुई भिड़ंत में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते टीम इंडिया मजबूत स्कोर हासिल कर सकी। बतौर कप्तान भी रोहित शर्मा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कमाल के नजर आए। वहीं टीम के फाइनल में चले जाने के बाद हिटमैन काफी भावुक भी दिखे। तो आप भी रोहित शर्मा के इस बयान पर और टीम इंडिया की शानदार जीत पर अपनी राय दीजिए। साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।